हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास सेकेंड। आज हम लोग मॉरल साइंस में लेसन 3 पढ़ेंगे। विच नेम इज जावेद ओवरकम्स हिज फियर। जावेद अपने फियर यानी कि डर से बाहर कैसे आ पाया। तो आज हम इस चैप्टर में जावेद, मोहित और उन दोनों की टीचर के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों, साथ ही साथ हम यह भी सीखेंगे कि हमें पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, हार्ड वर्किंग होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, हमें चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जावेद ऑलवेज ट्राइड टू डू हिज बेस्ट इन स्कूल। जावेद हमेशा अपने स्कूल में अच्छा काम करने की कोशिश करता था। ही वुड स्टडी हार्ड, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था। एंड ऑलवेज फिनिश हिज होमवर्क ऑन टाइम, और अपना होमवर्क हमेशा टाइम पर फिनिश करता था। Whenever he had a doubt, जब भी उसे कोई डाउट होता था किसी भी सब्जेक्ट में, he would ask his teacher questions about thing he did not understand. वो हमेशा अपनी टीचर से उन क्वेश्चंस को पूछता था जो उसे समझ में नहीं आते थे। जैसे हम लोग, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हम लोग अपने बड़ों से, अपने टीचर से पूछते हैं, ठीक उसी तरह जावेद भी अपने डाउट को अपनी टीचर्स के साथ क्लियर करता था। Whenever he got a new assignment, जब भी उसे न्यू असाइनमेंट मिलता था, he started work on it right away. वो ठीक उसी टाइम ही उस पर काम करना स्टार्ट कर देता था। Following all the teacher's instruction, और जो भी टीचर्स उसे इंस्ट्रक्शन देते थे, मतलब उसे बताते थे कि ये काम उसे इस टाइम पर करके लाना है, वो अपने टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता था और ठीक उसी टाइम पर वो काम करके दे देता था। वन डे टीचर गेव द क्लास अ न्यू टास्क, एक दिन टीचर ने क्लास में बच्चों को न्यू टास्क दिया। She was teaching, वो पढ़ा रही थी the children about poetry, बच्चों को poetry के बारे में, मतलब कविताओं के बारे में वो बच्चों को पढ़ा रही थी। So she told the students, इसीलिए उन्होंने बच्चों से बोला to learn a poem, poem learn करने के लिए, each and recite it in front of the whole class, हर एक poem learn करने के लिए और क्लास के सामने रिसाइट, मतलब उसे बोलने के लिए। द फॉलोइंग वीक, आने वाले वीक में, मतलब जब टीचर बच्चों को पोएट्री के बारे में पढ़ा रही थी तो उन्होंने सभी बच्चों से कहा कि इस पोएम को वो लर्न करेंगे और पूरे क्लास के सामने इस पोएम को पढ़ के सुनाएंगे। जावेद सडनली स्टार्टेड टू वरी, जावेद अचानक से वरी होने लगा, मतलब चिंता होने लगी जावेद को। वॉट इफ़ I can't learn the poem, किस बात की चिंता हो रही थी बच्चों? उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि क्या होगा अगर मैं poem learn नहीं कर पाया तो। And I forget some of the words, और अगर मैं कुछ words उसके भूल गया तो। What if I make a mistake while reciting it, क्या होगा अगर मैंने क्लास में रिसाइट करते टाइम, बोलते टाइम कोई मिस्टेक कर दी तो। And the other kids laugh at me, और सारे बच्चे मेरे ऊपर हंसेंगे। ही थॉट टू हिमसेल्फ, ऐसा उसने अपने आप सोचा। बच्चों, जावेद बहुत अच्छा बच्चा था, वो हमेशा टाइम पर काम करता था, लेकिन जब टीचर ने उसे काम करने के लिए दिया तो वो एकदम से घबरा गया और उसके मन में अलग अलग ख्याल आने लगे कि अगर मैं पोएम लर्न नहीं कर पाया या पोएम क्लास में सुना नहीं पाया या अगर कोई चीज़ मैं भूल गया तो बच्चे मुझ पर कहीं हंसे ना, तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। चलिए पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। आफ्टर क्लास, क्लास के बाद जावेद वेंट टू मीट हिज टीचर, जावेद अपनी टीचर से मिलने गया इन द स्टाफ रूम, स्टाफ रूम में। जब क्लास ओवर हो गई तो जावेद अपनी मैम से मिलने स्टाफ रूम में चला गया। हिज टीचर न्यू, उसकी मैम जानती थी दैट जावेद वॉज अ हार्ड वर्किंग बॉय, कि जावेद हार्ड वर्किंग यानी मेहनती लड़का है। एंड एनकरेज हिम टू जस्ट डू द असाइनमेंट्स वन स्टेप एट अ टाइम, और टीचर ने जावेद को एनकरेज किया कि वो असाइनमेंट को एक टाइम में फिनिश करे। शी टोल्ड हिम टू स्टार्ट, उन्होंने बोला कि वो स्टार्ट करे
बाय फाइंडिंग अ पोएम, पहले वो पोएम को फाइंड करे, खोजे कि उसे कौन सी पोएम सुनानी है, एंड देन टू ट्राई लर्न इट, और उसके बाद उसे लर्न करने की कोशिश करे विदाउट थिंकिंग अबाउट द अदर किड्स, दूसरे बच्चों के बारे में बगैर सोचे हुए पहले वो पोएम फाइंड करे कि उसे कौन सी पोएम सुनानी है और उसके बाद उस पोएम को लर्न करें। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा कि जावेद बहुत हार्ड वर्किंग बॉय था, लेकिन जब टीचर ने उसे न्यू टास्क दिया तो वो उसे देखकर घबरा गया। फिर वो टीचर के पास गया कि मैं टास्क कैसे कर पाऊँगा, तो टीचर्स ने उसे इंस्ट्रक्शन दिए कि इस टास्क को ऐसे ऐसे आपको करना है। अब आगे की स्टोरी में क्या हुआ इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ़।